ये खुशी के क्या है, समझ आ रही है? तो जनसे पापा लोग की ने बहुत गल्ला की थी ना तो कख नहीं लो। केवले पापा ये हो जी कंडीशन ही मेरे को एक कर भी आ नहीं है पर आप अपने विश्वास में, दृढ़ विश्वास में बने रहेंगे, बने रहेंगे कि परमेश्वर जिस पर मैं श्वास करती हूं, मुझे शर्मिंदा उलझने बहुत आई, मुश्किल बहुत आई। ये नहीं है कि उलझने नहीं आई, एक चीज होती है दूसरे का पंगा, दूसरी है तो तीसरी। अच्छा आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि इंटरनेशनल भी? अच्छा मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, आपको विश्वास है कि मेरे बोलने से वो इंटरनेशनल? नहीं, करोड़ का नहीं करना। जो हमारे प्रभु की टीचिंग है ना, जो खुदामंद ने हमें कहा है कि राई के दाने जितना भी अगर आपको विश्वास है तो हो गया। क्या बात है, क्या नाम क्या है इसका? पतरस, पतरस है, पतरस पहले भी आया है। हाँ क्यों जी, पतरस जी बजाओ बजाओ बजाओ, फिर सुनते हैं गवाही। लादे डगा ढोलते यारा अज मैं जश्न मनोना पारा, लादे डगा ढोलते यारा अज मैं जश्न मनोना पारा, लादे डगा ढोलते यारा अज मैं जश्न मनोना पारा, लादे डगा ढोलते यारा अज मैं जश्न मनोना पारा, कि अज मेरे यसु ने आना। छेड़ कोई छेड़ कोई छेड़ कोई गीत खुदा बंदा आज मैं भंगड़ा पौना, छेड़ कोई गीत खुदा बंदा आज मैं भंगड़ा पौना, छेड़ कोई गीत खुदा बंदा आज मैं भंगड़ा पौना। ओके 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 ओके, परमेश्वर तुझे बड़ी पतरस बरकत दे चुका है, ठीक है? हाँ तो ठीक है, इनकी गवाही सुनते, बैठ जाओ और आराम से बैठ जाओ, सुनते इनकी गवाही पहले। सब इनको साइड पे आ जाओ सारे, ठीक है यहीं पे। तो ठीक है स्टार्ट करो, पहले गवाही सुनते हैं, क्योंकि ये ढोल किस लिए बज रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब ढोल बजता है तो कोई बड़ी खुशी की बात होती है। हाँ किसी को ज्यादा खुदावंद ने ब्लेस किया होता है हमें, ठीक है बताओ। हालेलुया। तो जिस सिस्टर का नाम अमन है और श्री मुद्दल गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की हस्बैंड की गवाही है, पहले हम उनकी पिक को देखेंगे। और जिनके हस्बैंड है और इनकी गवाही जे है, जे बता रहे कि 3 सालों के थे इनके हस्बैंड जो है वो मलेशिया में जॉब कर रहे थे, और जे बता रहे कि जब वो इंडिया वापस आए तो जब बता रहे कि लॉकडाउन हो गया था और जिसके कारण जो जा नहीं पाए, तो जो इनका हस्बैंड का जो ड्राइविंग लाइसेंस था तो इसकी जो डेट थी वो ख़त्म होगी, तो जो बता रहे कि जैसे इन्होंने न्यू कराने के लिए दिया तो बाद में जो पासपोर्ट की डेट थी वो भी ख़त्म होगी। तो फिर जिस सिस्टर ने पर्सनल मीटिंग की प्रभु के दास के साथ, जैसे जो मीटिंग के लिए आए तो परमेश्वर के दास ने इनको उत्साहित किया, तो जो इनके हस्बैंड का ड्राइविंग लाइसेंस था वो भी बन गया, और जो इनके पासपोर्ट थी अभी उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि जो इन्होंने अप्लाई किया था तो उसमें एलिगेशन की प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर इन्होंने सेकंड फिर जो परमेश्वर के दास के साथ पर्सनल मीटिंग की, तो जो बता रहे कि जैसे मीटिंग हुई तो इनको उत्साहित किया गया और जो विश्वास किया उन्होंने धन्यवाद किया, तो फिर इनके हस्बैंड का पासपोर्ट बन गया।
तो जैसे ही पासपोर्ट भी आ गया और फिर इनके हस्बैंड 28 जुलाई को बहरीन चले गए और इनकी बहुत चाहत थी और परमेश्वर ने अभी इनके हस्बैंड बहरीन में है। तो जब इनके हस्बैंड वहाँ बहरीन में पहुँच गए तो वहाँ पर इनके हस्बैंड का जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था वो बहुत ज़रूरी था, पर वो अभी बना नहीं था क्योंकि उससे पहले इन्होंने बताया कि उनका एक CPR कार्ड बनना बहुत ज़रूरी था। जैसे हमारे इंडिया का आधार कार्ड होता है, बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पर CPR कार्ड है। और जैसे इन्होंने बताया कि वो जब अप्लाई किया तो उसके एड्रेस में प्रॉब्लम आ गई, और जब प्रॉब्लम आई तो फिर इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की, इनको उत्साहित किया गया कि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में इतने कामों को किया है तो जी कुछ भी नहीं है, तो जी विश्वास करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर कर चुके। और जब बता रहे फिर इन्होंने धन्यवाद दिया तो जो इनका जो इनके हस्बैंड का CPR कार्ड था वो भी बन गया। पहले अब हम उस कार्ड की पिक को देखेंगे, और जी वो CPR कार्ड है। और जब जी कार्ड बन गया तो उसके बाद नेक्स्ट इनके हस्बैंड का बैंक अकाउंट कार्ड बनना था। जैसे हमारे इधर इंडिया में बैंक अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर भी इनका कार्ड बनना था। और जो बता रहे कि वो भी 1 महीना हो गया था इन्होंने अप्लाई किया था, पर वो भी नहीं बन रहा था, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी। और फिर जो काफ़ी परेशान हो गए, फिर इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की, इनको और भी टीच किया गया, और जो विश्वास किया, उन्होंने धन्यवाद किया, तो परमेश्वर ने बैंक अकाउंट कार्ड से भी इनके हस्बैंड को ब्लेस किया। अभी हम उस पिक को भी देखेंगे। और जी वो बैंक अकाउंट कार्ड है, तो जो परमेश्वर ने इनको दोनों कार्ड के साथ जब ब्लेस किया तो अभी इनका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनना बहुत ज़रूरी था। और जब इन्होंने इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो जिसके कारण इनके हस्बैंड को फिर से बहरीन से वापस इंडिया आना पड़ा। जब इनके हस्बैंड वहाँ जहाँ पर वापस आए, फिर इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, तो जिस सिस्टर ने बताया कि जे 8 बना दिया, जब जे सिस्टर 7 अगस्त की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया था और जब प्रभु के दास के द्वारा इनको ब्लेसिंग वर्ड मिला था कि परमेश्वर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी ब्लेस कर चुके, तो पहले हम इस क्लिप को देखेंगे। अच्छा, आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि इंटरनेशनल भी? हाँ, अच्छा, मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, आपको विश्वास है कि मेरे बोलने से वो इंटरनेशनल? ओह नहीं, करोड़ का नहीं करना। जो हमारे प्रभु की टीचिंग है ना, जो खुदावंद ने हमें कहा है कि राई के दाने जितना भी अगर आपको विश्वास है तो हो गया है। मैं उसी विश्वास के साथ आपको इंटरनेशनल उस वचन के साथ को ब्लेस करता हूं कि खुदावंद आपकी इस घड़ी को भी, इस चाहत को भी, अपनी आस जो आपकी आस है कि इंटरनेशनल बन चुका है उस राई के दाने के विश्वास से, बस विश्वास करना, खुदावंद के साथ जीना। नहीं बस 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 नहीं नहीं बस 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 तो फिर जो सिस्टर ने इस वर्ड को याद किया, धन्यवाद किया, तो जब इनके हस्बैंड बहरीन से वापस आए थे तो फिर वो 8 नवंबर को वहाँ पर चले गए, फिर से टिकट हुई, और जो इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर जब वो इंडिया वापस आए थे अभी, तो वो भी पैसे खर्च हुए वहाँ पर जाने की, टिकट के पैसे खर्च हुए, तो परमेश्वर आप सबको जानते हो। तो अभी वहाँ पर जाकर जो डॉक्यूमेंट फिर से तैयार किए हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो परमेश्वर वर्ड्स आपके दास के द्वारा परमेश्वर आपने हमें दिया है, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप हमें इस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस कर चुके हो। तो जैसे इनके हस्बैंड वहाँ गए तो परमेश्वर ने इनको आज इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी ब्लेस कर दिया। अभी हम उस पिक को देखेंगे। तो इनकी बहुत चाहत थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, पर जो विश्वास में बने रहे, तो आज इस खुशी के साथ, डोल के साथ, अपने इस गवाही के साथ आए। इनकी बहुत चाहत थी और इस गवाही के लिए जी परमेश्वर का धन्यवाद करते। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, जोर से अपने हाथों को उठाते हैं। बजाओ बजाओ पत्रस जी। दिल खुशियां दे नाल भर आया, दिल खुशियां दे नाल भर आया, दिल खुशियां दे नाल भर आया, मैं किनू किनू दसा
नी मैं उछल उछल के नचा मैनु बरकता दितिया यीशु ने उछल उछल के नचा मैनु बरकता दितिया यीशु ने आमेन। माइक देना ही नहीं माइक कोई बात नहीं है। सुनो सुनो ये खुशी के क्या है समझ आ रही है तो जय मसीह की जय। लोकां ने बहुत गल्लां कीतियां इन्हां दा कख नहीं बणना केवले पापा जी एहो जी कंडीशन ही मेरे को एक रुपया भी नहीं हैगा। पर आप अपने विश्वास में दृढ़ विश्वास में बने रहेंगे बने रहें कि परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करती वो मुझे शर्मिंदा उलझने बहुत आई मुश्किल बहुत आई। ये नहीं है कि उलझने नहीं आई एक चीज होती दूसरे का पंगा दूसरी है तो तीसरी। सुनो ध्यान से समझना इनकी गवाही का मेन मैं आपको फिर से समझाता हूं क्या ट्विस्ट है क्या मोड़ है। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ पिछले दिनों में तो इनके पति पहले कहां थे बहरीन में थे मलेशिया थे तो वापस आ गए। जब वापस आए तो जो पासपोर्ट की डेट थी वो क्या होगी एक्सपायर होगी खत्म होगी। तो फिर वो उन्होंने जाना था वापस जाना था तो अब एक्सपायर होगी तो वो क्या हो गया उसमें प्रॉब्लम आ रही थी एलिगेशन लग गया पापा ही एलिगेशन लग गया है ना। तो भी तो ही जो तो फड़िया मेरा विश्वास ही कि मुझे पापा ही ने फाड़ लिया ना पासपोर्ट तो मुड़ के दोबारा नहीं एलिगेशन लगूंगा तो दोबारा नहीं तो वो भी मेरा वो भी बन गया बड़ा बड़ा है पापा ही तो वो भी बन गया। आपका विश्वास था कि मैंने पकड़ लिया और हो जाएगा। इसी तरह से यीशु मसीह के पास आते थे लोग क्योंकि सारा कुछ हमारी फेथ हमारे विश्वास पर निर्भर करता है समझ आ रही है। और जब वो हो गया तो फिर जब पासपोर्ट बन गया तो वो चले गए वहां पे तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ गई पापा ही होते ना जरा लाइसेंस ही ना इंडिया का तो वो कहते ही मतलब फेक बना के लिए हैवी बोलता ही नॉर्मल नहीं बोलता फिर एनओसी लेनी पड़ी सानू तो डीटीओ फिर उसकी प्रॉब्लम आ गई। और उसके लिए एक क्या चाहिए सीपीआर कार्ड अगर वो ना हो तो क्या नहीं पापा जी फिर नहीं जा सकते फिर जा नहीं सकते तो परमिशन ने उसका भी हल किया। फिर बैंक अकाउंट की आ गई चक्कर मैसेज नहीं ना आता जो भी उधर पैसे पे करने ही ना तो मोबाइल ते उधर उधर ही कर दे बाय हैंड नहीं देंदे भी बाय हैंड नहीं देते बैंक अकाउंट जरूरी तो फिर जो बैंक अकाउंट भी जरूरी और उसका भी प्रॉब्लम आ गई खुदा ने वो भी हल किया। हाँ जी मतलब उलझने बहुत आई बोलो क्या आई है उलझने बहुत आई। ये जो सीपीआर कार्ड बोल रहे हो जैसे इसने बताया बच्ची ने के आधार कार्ड के जैसे हाँ जी ये इसका थोड़ा सा बताओ मुझे पापा सीपीआर बन के आ जाता ही एड्रेस गलत होता ही बन के आ जाता ही एड्रेस बन के आ जाता है और एड्रेस गलत आ रहा है ये प्रॉब्लम भी आ रही थी। हाँ जी देख लो तीसरी बार मैं एमपी ने फोन किया जाने की मनप्रीत का नाम एमपी रखा हुआ मनप्रीत एमपी शॉर्टकट। तो सुनो तो परमेश्वर हमारा कौन है हमारा परमेश्वर वो है जो अपने लोगों के लिए चट्टान से भी पानी निकालता और समुद्र को भी दो भाग कर देता क्या कर देता बोलो चट्टान से भी पानी निकालता और समुद्र को भी दो भाग करता है। मुश्किलें चाहे कितनी भी हो उस परमेश्वर के लिए कोई भी प्रॉब्लम उसके लिए बड़ी नहीं है बस हमें उसके साथ बनना है। बोलो क्या है अपना मन खराब नहीं करना हाँ ये क्या हो रहा है बार बार क्या हो रहा है हाँ पर ये दृढ़ विश्वास में बने रहे। बोलो क्या है जब किसी का दृढ़ विश्वास होता है तो परमेश्वर से बाइबल में लिखा लच्छी शर्मिंदा नहीं होने देता। एक गल पापा मैं होर कहना चाहनी हाँ 7 तारीख 8वां महीना 2022 1:15 ते तुसीं कुछ किया ही मैं वह गल जो मेरे प्रॉब्लम आँदी मैं वो रिसीव कर दी हाँ 7 तारीख 8वां महीना 2022 1:15 दे ओके बनाता देखो इन्होंने ये अपनी क्या हाथ को क्यों देख रहे हो आप पापा मैं
ये लिखकर लेकर आए हैं पूरा, इन्होंने इन्होंने सब कुछ नोट करके रखा है। मैं उससे बड़े रिसीव कर दी, एक करी मैं बड़ी परेशान हाँ, मेरे को उदो भी पैसा कोई नहीं, 4:30 का टाइम ही, 30 तारीख पहला महीना 2022 मनप्रीत आँधी की गल हुई तू, मैं क्या दीदी मेरे को पैसा नहीं होगा, मेरा दान पुण जोगे है नहीं है, इन्हें कही परमेश्वर ने तू इन्ना क पैसा देना ना तुहाडे को रखन की जगह नहीं होनी। जड़े पापा जी गल कहते हो तो ठीक है, जड़े उन्होंने अगवे वे उन्होंने भी रब के दास का वचन समझ के ही लिया करो। वेरी गुड, तो कितनों को समझ आ रही है, कितनों को समझ आ रही है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। हाँ, जब कोई इंसान शरीर में आ जाता है शरीर में तो वो मन खराब करता है, पर जो कोई दृढ़ विश्वास से रहता है, जैसे दाऊद कहता है मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुन ली, वो कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उतनों के मुख उछले हो गए और उनके मुंह कभी काले किसी भी बात में वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आज पूरी तरह से आपके पति ब्लेस हैं, सब कुछ अच्छा है। और पापा मैं और भी कुछ मांगना चाहती हूं, और कनाडा का इंटरनेशनल लाइसेंस मांगना चाहती हूं। ओह ठीक है, अगर कनाडा का इंटरनेशनल क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए आपको, तो परमेश्वर के लिए कौन सी कोई बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया किसने बनाई है, ठीक है, बस खुदा के लिए अच्छा मन रखना, उसको अपने जीवन का पहला स्थान देना, उसका वादा है मैं पृथ्वी की सब जातियों से तुम्हें क्या कर दूंगा, ऊंचा कर दूंगा। तो ये बड़ी गवाही थी, बहुत उलझने आई, बहुत प्रॉब्लम आई, ये बने रहे और सबसे परमेश्वर ने बाहर निकाला और आजाद के सामने है, पूरी तरह ब्लेस है। तारीफ करो। ना आस रखा दुनिया ते, ना आस रखा दुनिया ते, ते ना आस रा लहनाए, ना आस रखा दुनिया ते, ते ना आस रा लहनाए, मैं जो कुछ चाहिदा मैं यीशु को लहनाए, मैं जो कुछ चाहिदा मैं यीशु को